हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। कल ये खबर आई थी कि मूडीज ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है वो बढ़ा दिया है 2024 के लिए 6.8% कर दिया है 6.1 से। तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर थी। तो यहाँ पर आज सुबह निफ्टी में देखने को मिला एक गिरावट आई, लेकिन जो गिरावट आई थी वो लास्ट में पूरी तरह से रिकवर होते हुए नजर आई। और वही बैंक निफ्टी में 124 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। तो कॉन्ट्रा ट्रेड आज दोनों इंडेक्स में देखने को मिला। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। कल जो हमने लेवल्स मार्के थे आप देख सकते हो, एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो लेवल्स मार्क किए हैं निफ्टी के, वो ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट भी अचीव हो गया। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन एक बार सबसे पहले डेली चार्ट को देखेंगे। कल जो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि भाई ये कैंडल कल बना था, ये डोजी कैंडल, तो डोजी कैंडल आता है तो ये सिग्नल होता है कि भाई यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है। तो आज हमने देखा कि ये जो डोजी पैटर्न था उसके बाद ये जो अप ट्रेंड बाउंस बैक आया था उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया। यहाँ पर निफ्टी सुबह हमने 5 मिनट के चार्ट में देखा नीचे आया, लेकिन जो पूरी गिरावट जो पूरे दिन बनाई थी 12 बजे तक वो पूरी तरह से रिकवर हुई और जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो लगभग ये डोजी ही पैटर्न आज बना है, यानी फिर से ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये ब्रेक लगा सकता है। तो अभी कल ये ऊपर की तरफ डोजी बना था, आज देख सकते हैं आप डोजी जो बना है उसने नीचे काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया है और ऑलमोस्ट ये जो ट्रेंड लाइन हमारा चल रहा है उसके यहाँ पर ही ऑलमोस्ट इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ आके क्लोज किया है। तो कल हो सकता है ये फिर से अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो हमें निफ्टी में फिर से नए हाईज लगते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल ये डेली चार्ट का सिनेरियो बना हुआ है, लगातार 2 दिन डोजी कैंडल बना है, यानी बुल्स और बियर्स में टफ फाइट चालू है। यहाँ पर जहाँ ओपन हो रहा है उसी के पास आके क्लोज हो रहा है दिन में। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पे। 60 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसने जो गिरावट आई थी इसने सुबह ये पिंक लाइन को तोड़ दिया था 60 मिनट के चार्ट में, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से रिकवर हो गया। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये 20 EMA के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बनेगा ये होगा 22313, उसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा 22289 और सेकेंड टारगेट होगा 22268, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 22396, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 22416 और सेकेंड टारगेट होगा 22438, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लेवल। सभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स अब हमने मार्क किए थे कल आप देख सकते हो उसी के पास ये सपोर्ट टेस्ट करता है। जो हम लेवल्स ये मार्क करते हैं फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम मार्क करते हैं। सो ऊपर भी देखिए ये गजब की तेजी आई थी, जैसे निफ्टी में रिकवरी आई थी यहाँ पर भी एक जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम आया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुआ, उसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया, नीचे आया फिर तो ब्रेकआउट लेवल ने सपोर्ट का काम किया। तो यह है बैंक निफ्टी के लेवल्स, अच्छे से काम किया आज। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। अभी ये जो बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन कैंडल उसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद 3 कैंडल बनी 60 मिनट के चार्ट में आर्ली चार्ट में 3 कैंडल बनी, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो कल हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 47747, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 47826, सेकेंड टारगेट होगा 47905। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो 2 दिन हमने देखा ये इस लेवल के पास ऊपर जाते समय अटक रहा था 47482, तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 47389 का और सेकेंड टारगेट होगा 47301 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है,
सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।